अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवे बैंगन। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप चाहे इसे चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मेरे स्टाइल में आप ज़रूर बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को कट कर लेंगे। चार तरफ हम कट लगाएंगे और पूरा नहीं काटना है, हमें सिर्फ कट लगाना है। अब हम इसे चेक कर लेंगे अंदर खराब है या नहीं। देखिए बैंगन बिल्कुल ही अच्छे हैं। अभी मैं इसको पानी में डाल दूंगी। इसी तरह हम सारे बैंगन को काट कर पानी में डाल देंगे। बैंगन हमारे काट कर हो चुके हैं। अब हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी हूँ। उसमें मैं डालूंगी एक छोटी वाटी सेंग दाना और इसे भूनूंगी। सेंग भूनकर हो चुके हैं। अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। एक बड़ा टुकड़ा सूखा नारियल ली हूँ मैंने, इसको भी भूनूंगी। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तिल और 1 चम्मच जीरा, इसको भी मैं भून लूंगी। ये तीनों चीज़ भुनकर हो चुकी है। अभी मैं गैस बंद करके प्लेट में निकाल लूँगी। मिक्सर के जार में मैं डालूँगी 1 कटा हुआ प्याज, 7 से 8 लहसुन, थोड़ी सी कोथमीर जो मैंने भून कर ली थी, नारियल, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। सेंग डालूँगी, इसे मैंने छिलके निकाल कर ले ली हूँ। अभी इसमें मैं पानी डालकर मसाले को पीस के ले लूँगी। मसाला पीस कर मैंने प्लेट में निकाली हूँ। इसमें डालूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से। अभी इस सारे मसाले को मैं मिक्स करूँगी। मसाला सब मिक्स हो चुका है। अभी मैं बैंगन में मसाला भरूंगी। मसाला हमें अंदर तक के पूरा भरना है। अब इसको मैं प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह हम सारे बैंगन को मसाला लगाएंगे। सारे बैंगन में मसाला लग चुका है। बचा हुआ मसाला मैं बाद में यूज करूंगी। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तेल गरम हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच राई जीरा और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। अभी इसमें मैं मसाला लगा हुआ बैंगन रखूंगी। इसको अभी मैं 5 मिनट तक के भूनूंगी। पाँच मिनट भूनने के बाद मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं इसमें ढक्कन लगाकर 5 मिनट धीमी आंच पे पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए बैंगन आधे गल चुके हैं। अभी इसमें मैं बचा हुआ मसाला डालूंगी। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी।
इसमें मैं अभी आधा कप पानी डालूंगी। इस वक्त आप नमक भी टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको लगा कम है तो आप डाल दो। अभी इसको मैं ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। अब हम बैंगन को चेक करेंगे। देखिए हमारे बैंगन हो चुके हैं। अभी मैं इसमें कोथमीर डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह भरवे बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना भरवे बैंगन कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।